बच्चों, आज मैं सबसे पहले आप लोगों को जो टॉपिक करवाने जा रहा हूँ टॉपिक का नाम है स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस। ये लो सर, किसका डिफरेंस है? स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस, ठीक है जी। स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस वॉइस देखना क्लियर है बच्चों, वॉइस क्लियर है बच्चों, एक बार थम्स अप साइन शो करना क्लियर है तो। ठीक है ठीक है, चलो जी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस। स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, ये मैंने मनी सप्लाई में भी करवाया था। यहाँ पे ये पूरा टॉपिक डिटेल में, एक वर्ड है स्टॉक और एक वर्ड क्या है फ्लो। स्टॉक का मतलब क्या होता है, फ्लो का मतलब क्या होता है, समझना जरा। जब भी हम बच्चों बात करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की, जब भी हम किसकी बात करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की, तो उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक कंसेप्ट। जब भी हम बात करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की, तो उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, स्टॉक कंसेप्ट। और जब भी हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की, जब भी हम बात करते हैं किसकी, पीरियड ऑफ टाइम की, तो उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, फ्लो कंसेप्ट। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की क्या होता है, स्टॉक, और जब पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं क्या होता है, फ्लो। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एक होता है स्टॉक कंसेप्ट और एक क्या होता है, फ्लो कंसेप्ट। ठीक है जी, जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की, स्टॉक, और जब पीरियड की बात करते हैं क्या होता है, फ्लो। सर एग्जांपल, मैंने कहा बेटा आप 9:30 पे, एग्जैक्ट 9:30 हैं, मैंने पूछा 9:30 आप क्या कर रहे हो, आपने कहा सर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स। तो ये क्या हो गया, स्टॉक कंसेप्ट। मैंने कहा आज पूरे दिन में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बच्चे कह रहे सर हमने इको पढ़ी, अकाउंट पढ़ी, मैथ पढ़ी, बीएससी पढ़ी, ये क्या हो गया, फ्लो कंसेप्ट। देखो जी, तो स्टॉक और फ्लो का समझ आ गया, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। इसको एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, सुनते हैं ना, एग्जांपल को जरा माइंड में पूरा सेट करना। एक है स्टॉक और एक क्या है, फ्लो। देखो इसका सेकेंड एग्जाम्पल जो बच्चों आपके पेपर में किस तरह से आएंगे वो भी मैं बात करता हूँ। देखो मैंने कहा बेटा मैंने तेरे को कल देखा है 4:25 पे, कल मैंने तेरे को देखा है 4:25 में अपनी काम वाली के साथ, यार 4:25 में काम वाली के साथ, तो बताइए स्टॉक कंसेप्ट है, फ्लो है, स्टॉक है, स्टॉक है, 4:25 पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की। ठीक है जी, तो जब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, इट हैज नो टाइम डायमेंशन, इट हैज नो टाइम डायमेंशन। जबकि फ्लो में क्या बोलते हैं, मैंने कहा बेटा इस महीने मैं देखो 4 लड़कियों के साथ देखता हूँ, इस महीने, महीने का मतलब किसकी बात हो रही है, पीरियड की, तो पीरियड वर्ड आ गया, तो क्या हो गया, इट हैज टाइम डायमेंशन। मेन फोकस करना कंसेप्ट पे, टाइम डायमेंशन यहाँ पे क्या है, पीरियड की बात हो रही है, पीरियड में क्या हो सकता है, मंथ की बात हो सकती है, वीक की बात हो सकती है, किसकी बात हो सकती है, मंथ की, वीक की, आज की, ईयर की, तो ये कौन सा कंसेप्ट होता है, फ्लो। तो फ्लो कंसेप्ट कौन सा कंसेप्ट होता है, देखो जी जो फ्लो कंसेप्ट होता है उसमें क्या होती है, टाइम डायमेंशन। क्या होती है फ्लो कंसेप्ट में, टाइम डायमेंशन। जबकि स्टॉक कंसेप्ट में कोई टाइम डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। समझ आ गया जी? हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे देखो बच्चों क्या आता है, स्टॉक में क्या होता है, नो टाइम डायमेंशन, फ्लो में क्या होती है, टाइम डायमेंशन। अब मैं बात करता हूँ, मैंने कहा 4:25 एग्जैक्ट टाइम की बात की, जब हम एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं तो कैसा कंसेप्ट है, स्टैटिक। स्टैटिक कंसेप्ट का मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं आता। फ्लो में हम बात करते हैं इस महीने तुमने क्या किया,
इस पूरे दिन में तुमने क्या किया। तो फ्लो में हम पीरियड की बात करते हैं, तो जब भी हम पीरियड की बात करेंगे कौन सा कंसेप्ट होगा, डायनेमिक। कौन सा कंसेप्ट होगा, डायनेमिक। डायनेमिक को हम क्या बोलते हैं, चेंजिंग। डायनेमिक को क्या बोलते हैं, चेंजिंग। तो ये फ्लो जो कंसेप्ट होता है डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंजिंग कंसेप्ट होता है। यहाँ तक क्लियर है, पक्का। अब बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी भी बात करते हैं। आप सब इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में दो वर्ड पढ़े होंगे, क्या वर्ड पढ़े होंगे, एक वर्ड पढ़ते हैं सिंस और एक क्या वर्ड पढ़ते हैं फोर। एक वर्ड पढ़ते हैं सिंस और एक क्या वर्ड पढ़ते हैं फोर। देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक वर्ड है सिंस और एक क्या होता है फोर। सिंस कौन सा कंसेप्ट होता है, स्टॉक, और फोर फ्लो कंसेप्ट। आप सबने पढ़ा होगा, आप सबने ये टॉपिक भी पढ़ा होगा सिंस और फोर में। एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, आपको क्लियर भी हो जाएगा। देखो बच्चों, स्टॉक में कौन सा कंसेप्ट होता है, सिंस। हम बोलते हैं ना सिंस 2001, सिंस 2011। तो सिंस कब यूज होता है, जब हम किसकी बात करते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसकी बात करते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की। फ्लो, फ्लो में हम किसकी बात करते हैं, पीरियड की। क्या बोलते हैं, फॉर टू मंथ, फॉर वन ईयर, ठीक है नी, फॉर टू डेज। तो जब भी हम पीरियड की बात करते हैं क्या होता है, फॉर फ्लो कंसेप्ट। अब बच्चों पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सुनना एग्जाम्पल के साथ। सुनो, अब आप मेरे को बताओगे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ऑफलाइन वाले भी। ऑनलाइन वाले अगर बताएंगे तो हैंड जेस्ट करेंगे, और ऑफलाइन वाले भी अगर बताना चाहे तो हैंड जेस्ट। तो समझ आ गया, पहले फटाफट नोट कर लो, फिर मैं इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। जल्दी से नोट करो, जल्दी से। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपको ये बताना ये स्टॉक में जाएगा कि फ्लो में। चलो सबसे पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लॉसेस। लॉसेस स्टॉक में आएगा, फ्लो में आएगा। लॉसेस स्टॉक में आएगा, फ्लो में आएगा, ठीक है जी। लॉसेस स्टॉक में आएगा, फ्लो में आएगा। थोड़ा दिमाग लगा के बोलो, ठीक है नी, दिमाग लगा के बोलो। सुनो, ऑनलाइन वाले बच्चे जो बताना चाहे हैंड जेस्ट कर सकते हैं। यस मैम, बताएं जी। सर स्टॉक में आएगा। लॉसेस मैम ने बोला स्टॉक में आएगा। क्या आप ऐसे बोलते हो, 4:25 का मेरा इतना लॉस हुआ है? आप ऐसे बोलते हो कि मेरा आज का लॉस कितना हुआ, कल का लॉस कितना हुआ, ठीक है? ऐसे बोलते हो कि ये बोलते हो 4:25 का लॉस कितना हुआ। लॉसेस हमेशा पीरियड के होते हैं, कभी भी पर्टिकुलर टाइम के नहीं होते। तो लॉसेस स्टॉक में आएगा, फ्लो में, फ्लो। समझ आ गया, ठीक है जी। आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं वो पूरे साल का बनता है, पर्टिकुलर टाइम का आपको। समझ आ गया। अगला एग्जांपल सुनो, नेक्स्ट एग्जांपल, वेल्थ। वेल्थ, वेल्थ का मतलब तुम्हारी जेब में कितना पैसा है, पर्टिकुलर टाइम पे मेजर हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। यस मनन, स्टॉक कंसेप्ट बिल्कुल सही। वेल्थ पर्टिकुलर टाइम पे मेजर हो सकती है। अगर पेपर में वर्ड लिख के आ जाए चेंज इन वेल्थ, अगर पेपर में वर्ड क्या लिख के आ जाए, चेंज इन वेल्थ। सुनना, अगर बच्चों पेपर में वर्ड लिख के आ जाए चेंज इन वेल्थ, तो चेंज इन वेल्थ स्टॉक है, फ्लो है, चेंज इन वेल्थ, चेंज वर्ड आ जाए, चेंज का मतलब कौन सा कंसेप्ट बन जाएगा, फ्लो। किसी भी चीज का चेंज आ जाए, किसी भी चीज का चेंज आ जाए वो कौन सा कंसेप्ट है, फ्लो। क्योंकि फ्लो कैसा कंसेप्ट है, डायनेमिक। डायनेमिक मतलब चेंजिंग, ठीक है जी। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ वो यहाँ नहीं लिख रहा, आप मेरे को बताना स्टॉक में आएगा क्या, फ्लो में। सुनना जरा, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, सुनते हैं ना क्या वर्ड है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ईयर। सुनते हैं ना, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2019 या 2021। सुनते हैं ना, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2021। ये स्टॉक है, फ्लो है, बिल्कुल सही।
पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ईयर, ईयर आ गया, ईयर आ गया तो मतलब किसकी बात हो रही है, पीरियड की। ये आया था 2020 में एक सेट में, एक सेट में आया पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31st मार्च 2021। ये स्टॉक है, एक मिनट, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31st मार्च 2021, ये ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31st मार्च 2021, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। ये स्टॉक कंसेप्ट है, फ्लो है। यस वर्मा जी बताएं सर। स्टॉक है, स्टॉक है, क्यों स्टॉक है, क्योंकि 31st मार्च की बात करें, पर्टिकुलर टाइम की। ये 2020 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है जी। अब मेरे को बताना आप लोग, सेविंग्स है, सेविंग्स है, सेविंग स्टॉक होगी, फ्लो होगी, सेविंग बताओ पर्टिकुलर टाइम की होती है, पीरियड की होती है, एक मिनट, ऑनलाइन वाले बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं हमें बताने। यस मित्तल जी बताएं। फ्लो, फ्लो बिल्कुल सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड आता है कैपिटल, क्या वर्ड आता है, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, तुम्हारा बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ, पर्टिकुलर टाइम पे हम मेजर कर सकते हैं कि नहीं, बताओ कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है, तुम्हारा बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है। देखो जी, स्टॉक है, फ्लो है, गुप्ता जी बताए जी, एक मिनट, गुप्ता जी बताए, स्टॉक, बिल्कुल सही, सन ने आंसर दिया, कैपिटल कौन सा कंसेप्ट है, स्टॉक। क्यों स्टॉक है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गया, हाँ जी यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखना जी, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है पेपर में, देखो आप सबने वर्ड पढ़ा होगा एक, इन प्रोडक्शन, क्या वर्ड पढ़ा है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन स्टॉक है, फ्लो, रीजन के साथ बताना, प्रोडक्शन, माइक्रो में पढ़ा है ना प्रोडक्शन वर्ड, तो बताओ स्टॉक होता है फ्लो, प्रोडक्शन, सोचो इसका मीनिंग क्या होता है पहले, फिर आंसर मिल जाएगा। प्रोडक्शन का मीनिंग समझो क्या होता है। यस पलक, आप ट्राई करना चाहेंगे मैम, बिल्कुल सही, फ्लो क्यों होगा, सुनो प्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, क्या मीनिंग होता है, चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, और जब भी कोई चेंज आ जाए कहाँ पे आएगा, फ्लो, समझ आ रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना, इन्वेस्टमेंट वर्ड पढ़ते हो, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। मैं पहले ये कंसेप्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है बताओ, इन्वेस्टमेंट का ऑनलाइन में कोई बच्चा मीनिंग बताना चाहे, इन्वेस्टमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। यस चड्डा जी बताएं सर, इन्वेस्टमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। यस आरती आप बताना चाहें, इन्वेस्टमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। मोहक आप बताएं, इन्वेस्टमेंट वर्ड का मीनिंग बता सकते हैं सर। चलिए गुप्ता जी आप बताएं क्या होता है। सर किसी अच्छी चीज में इन्वेस्ट करना ताकि उसको आगे तक उस चीज का फायदा होता रहे। बच्चे से मैंने पूछा इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, कह रहा किसी अच्छी चीज में इन्वेस्ट करना जिससे आगे फायदा होता रहे। भाई वो इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं है, इन्वेस्टमेंट का ऐसे तो हम ये बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना। अब देखना इसे कैसे बोलते हैं, मीनिंग समझना। मेरे पास दो मशीन है, कितनी मशीन है, दो, मेरे पास तीन मशीन हो गई, तीन है, मेरे पास दो मशीन है, अब कितनी मशीन हो गई, तीन, ठीक है, पहले दो मशीन थी अब कितनी हो गई, तीन, बताओ मशीन कौन सा गुड होता है, कैपिटल गुड, मशीन क्या होता है, कैपिटल गुड। जब मैं अपने कैपिटल गुड में एडिशन करता हूँ, जब भी मैं अपने कैपिटल गुड में क्या करता हूँ, एडिशन, तो हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। जब भी मेरे कैपिटल गुड में क्या होता है, एडिशन होता है,
जब भी मेरे कैपिटल गुड्स में क्या होता है एडिशन, उसे क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, उसका नाम क्या होता है कैपिटल फॉर्मेशन। तो एडिशन का मतलब क्या होता है चेंज, जब भी किसी चीज में चेंज आता है तो कौन सा कौन सा होता है फ्लो ना कि स्टॉक। समझ आ गया। अभी सुनो, हम एक वर्ड पढ़ते हैं नेशनल इनकम, एक वर्ड क्या पढ़ते हैं नेशनल इनकम। बताओ नेशनल इनकम स्टॉक कंसेप्ट है कि फ्लो है वो बताओ, नेशनल इनकम स्टॉक कंसेप्ट है कि फ्लो है वो बताओ, जल्दी से बताओ नेशनल इनकम। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ नेशनल इनकम क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम का निकलता है पूरे साल का। एक मिनट, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, बस एक दो बच्चे बार बार आंसर दे रहे हैं। नेहा जी, नेहा जी स्टॉक कंसेप्ट, मैम ने बोला स्टॉक कंसेप्ट, आप बताओ जी क्या हो। हाँ लोग बन सकते हो, क्या था जो जो क्या था अभी अपनी क्या बोले क्या देखो नेशनल इनकम जो होता है, नेशनल इनकम पर्टिकुलर टाइम क्या होता है पूरे साल की निकलती है, पूरे साल की, तो पूरे साल की निकलती है तो कौन सा कंसेप्ट होगा फ्लो कंसेप्ट। समझ आ गया। नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है, सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर पूरे साल का होता है, ये कौन सा कंसेप्ट है फ्लो। तो स्टॉक और फ्लो समझ आ गया, जल्दी से बोलो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक इज एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, विच इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो, फ्लो इज एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक में सुनना, इट हैज नो टाइम डायमेंशन, फ्लो में इट हैज टाइम डायमेंशन। स्टॉक स्टैटिक कंसेप्ट है, फ्लो डायनेमिक। समझ आ गया। डायनेमिक मतलब क्या होता है चेंजिंग कंसेप्ट। ये क्लियर है आप सबको बच्चों? यस। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गया सबको? ओके, तो स्टॉक और फ्लो का कंसेप्ट समझ आ गया, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, ठीक है। स्टॉक फ्लो का क्लियर है कंसेप्ट, एग्जांपल सबको समझ आ गए। अच्छा डेप्रिसिएशन बताओ, पूरे साल का निकलता है पढ़िए, तो कौन सा कंसेप्ट है फ्लो। सुनो जी, नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों, स्टॉक फ्लो समझ आ गया। अब आप बुक से रीड, अब देखो जो जिन बच्चों के पास एक बुक है संदीप गर्ग, उसके हिसाब से नेशनल इनकम फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। उसके फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और स्टॉक एंड फ्लो। सर्कुलर फ्लो मैंने लास्ट क्लास में करवा दिया, स्टॉक फ्लो आज करवा दिया, ये दोनों टॉपिक हो गए, ये आपका वहां का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अगले कंसेप्ट की। देखो बच्चों, अगला कंसेप्ट कौन सा आता है, फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट। क्या वर्ड आता है, फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट। एक वर्ड है फैक्टर पेमेंट और एक वर्ड क्या है ट्रांसफर पेमेंट। सुनते हैं ना, एक है फैक्टर पेमेंट और एक क्या है ट्रांसफर पेमेंट। देखो जी, फैक्टर पेमेंट क्या होती है, जब भी हम किसी को फैक्टर सर्विसेज देते हैं, जब भी हम किसी को क्या देते हैं फैक्टर सर्विसेज, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, यानी जब भी हम किसी को क्या देते हैं फैक्टर सर्विसेज देते हैं और उसके बदले हमें कुछ भी मिलता है। जब भी हम किसी को क्या देते हैं फैक्टर सर्विसेज और उन सर्विस के बदले हमें कुछ भी मिलता है, वो कौन सी पेमेंट होती है फैक्टर। जैसे लैंड के बदले क्या मिलेगा रेंट, ठीक है, लेबर के बदले क्या मिलेगी वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट। तो जब हम अपनी सर्विस देंगे उसके बदले कुछ भी मिलेगा वो क्या होगी फैक्टर पेमेंट। जो रिसीव करेगा उसके लिए इनकम, जो पे करेगा उसके लिए पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, जब हम किसी को कोई सर्विस नहीं देते। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, जब हम किसी को सर्विस नहीं देते फिर भी हमें पैसा मिलता है। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, जब हम किसी को कोई सर्विस नहीं देते, कोई सर्विस नहीं दे रहे फिर भी पैसा मिल रहा है, वो कौन सी पेमेंट हो गई ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है जी। सर एग्जाम्पल लेना इसका, देखो जी, देखो एग्जाम्पल सुनना ढंग से। देखो मेरे सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है जी। अब ये बच्चा बैठा हुआ है, ये क्या करता है, कहता है सर एमडब्ल्यू का बैच कर दो, एमडब्ल्यू का बैच कर दो। मैंने कहा टीचर से क्या दिक्कत है, मैंने इसके दोस्त से पूछा क्या दिक्कत है, कहता है सर इसे ना ट्यूजडे सैटरडे फ्री नहीं होता। मैंने क्यों,
कैसे से मंदिर के बाहर बैठना होता है, ठीक है जी। आप मंदिर के बाहर बैठते हैं, सुनो जी, मंदिर के बाहर बैठता है कटोरा लेके और टांग ऐसी फोल्ड करके बैठता है, लोगों को लगता है आधी टांग गायब है, ठीक है जी। ये भाई का कटोरा भी है, चेक कर लो, ठीक है जी। अच्छा सुनो जी, अच्छा सुनो जी, सुनो जी, देखो जी, एक बार पैक्टो पेमेंट और एक क्या है ट्रांसफर पेमेंट। ढंग से सुनना ये एग्जांपल जो मैं दे रहा था। अब बैगर्स को तुम फाइनेंशियली हेल्प करते हो, फाइनेंशियल हेल्प गिवन टू दी बैगर्स, तो क्या वो इसके बदले कोई सर्विस देता है? नहीं, सिर्फ पेमेंट दे रहे। कौन सी पेमेंट होती है? ट्रांसफर। कौन सी पेमेंट होती है? ट्रांसफर। अब इसे एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ, सुनो बच्चों। पेंशन क्या बढ़ाता है? पेंशन। दो तरह की पेंशन होती है, एक होती है बच्चों ओल्ड एज पेंशन। कौन सी पेंशन होती है? ओल्ड एज पेंशन। एक होती है रिटायरमेंट पेंशन। सुनते हैं ना वर्ड, एक है ओल्ड एज पेंशन और एक है रिटायरमेंट पेंशन, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन क्या होती है, सुनते हैं ना। लड़का हमारा 60 साल से ऊपर हो गया, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे का सारा क्या होता है? ओल्ड एज पेंशन। 60 साल इसने कुछ काम नहीं किया, ठीक है, सिर्फ मस्ती मारी। अब 60 साल से ऊपर होने पे बताए गवर्नमेंट क्या देती है? हर महीने 3,000 रुपए देती है, ठीक है जी। ये जो 3,000 रुपए हर महीने मिल रहे हैं गवर्नमेंट से, क्या ये कोई सर्विस दे रहा है? नहीं, फिर भी पैसा मिल रहा है। ये कौन सी पेंशन है? ओल्ड एज। इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर पेमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर पेमेंट। अब अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सुनना अगला एग्जाम्पल, ढंग से सुनना एग्जाम्पल क्या होता है। अब ये मेरे सामने बच्चा बैठा हुआ है, ये एमसीडी में जॉब करता रहा, ठीक है, एमसीडी में डुबकिया लगाता रहा, ठीक है जी, एमसीडी में डुबकिया लगाता रहा, समझ जाओ कौन सी जॉब है। अब ये 60 साल का, सुनो भाई, अब ये 60 साल का हो गया, रिटायर हो गया कंपनी से, अब ये 60 साल से ऊपर हो गया, तो जब 60 साल से ऊपर हो गया इसका क्या हो गया? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट हो गई, इस साल महीने पेंशन मिलेगी। पता है गवर्नमेंट जॉब वालों को पेंशन मिलती है, क्या फ्री में मिलती है? सर्विस के बदले, सर्विस के बदले। कौन सी पेंशन हो गई? रिटायरमेंट। इसे क्या बोलते हैं? फैक्टर। ये फ्री में नहीं दी जाती, किसके बदले दी जाती है? सर्विस के बदले, ठीक है जी, ठीक है जी। यहाँ तक रिटायरमेंट, बस तुम जब रिटायर हो जाते हो तुम्हारी जो पास सर्विस होती है उसके बदले मिल रहा है, ठीक है, फ्री में तो नहीं मिल रही, पुरानी सर्विस के बदले। तो ये क्या बोलते हैं? फैक्टर। जबकि ओल्ड एज पेंशन क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट। समझ आ गया पेंशन का पॉइंट? अच्छा, अब एक बच्चा है पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसे गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिली, जब ये पढ़ने जा रहा है युगांडा, कहाँ जा रहा है? युगांडा। तो इसे स्कॉलरशिप मिली, जब सुनो भाई स्कॉलरशिप मिली, सुनो जी, जब इसे स्कॉलरशिप मिली तो गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिली, ठीक है, क्या कोई सर्विस दे रहा है? नहीं। फिर क्या मिल रहा है? पैसा। कौन सी पेमेंट हो गई? ट्रांसफर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब मेरे साथ साथ नोट करना इसका डिफरेंस, जल्दी से ऐसे भी बना लेना। देखो जी, फैक्टर पेमेंट आर दोस पेमेंट, लिखते जाओ, फैक्टर पेमेंट आर दोस पेमेंट विच आर पेड एक मिनट, फैक्टर पेमेंट आर दोस पेमेंट, फैक्टर पेमेंट आर दोस पेमेंट विच आर पेड फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज, ठीक है। जो सर्विस, जब हम प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर करते हैं उसके बदले जो भी मिलता है उसे कहते हैं फैक्टर पेमेंट। अगला वर्ड क्या आता है? ट्रांसफर पेमेंट। क्या वर्ड आता है? ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट आर दोस पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट आर दोस पेमेंट विच आर पेड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस, विच आर पेड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस।
विच आर पेड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। तो ट्रांसफर पेमेंट वो होती है जो पे की जाती है बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस को रेंडर किए गए, जबकि फैक्टर पेमेंट वो पेमेंट होती है जो कब दी जाती है, जब हम प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर करते हैं। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा, यहाँ पे सर्विस जाती है तो पैसा मिलता है, सर्विस जाती है तो पैसा मिलता है। टू साइडेड है, सिंगल साइडेड, टू साइडेड, तो इसे क्या बोलते हैं, बायलेटरल, बायलेटरल कंसेप्ट। यहाँ पे कोई सर्विस नहीं जा रही, सिर्फ पैसा आ रहा है। वन साइडेड है, क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल, क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल कंसेप्ट। ये क्या है, बायलेटरल, और ये क्या है, यूनिलेटरल कंसेप्ट। ये बायलेटरल है और ये क्या है, यूनिलेटरल कंसेप्ट। ये क्या है, अर्निंग कंसेप्ट, जितनी मेहनत करेंगे उतना हमें मिलेगा। और ये क्या है, रिसिप्ट कंसेप्ट, खाए जाओ खाए जाओ, प्रभु के गुण गाए जाओ। फ्री में मिले हम कोई सर्विस एंटर नहीं कर रहे। अब कटोरे वाला कटोरा लेके बैठता है तो सर्विस दे नहीं रहा, सिर्फ पैसा आ जा रहा है। कोई बिस्किट दे जाता है, कोई चाय दे जाता है, ठीक है जी, ठीक है जी। ये क्या है, रिसिप्ट कंसेप्ट। सुनो, ये अर्निंग कंसेप्ट है, ये क्या है, रिसिप्ट कंसेप्ट। अगला, फैक्टर पेमेंट में गुड सर्विस क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसे नेशनल इनकम में क्या करते हैं, इंक्लूड, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। और इसे नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं किया जाए, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसको नेशनल इनकम में क्या करते हैं, इंक्लूड, इसको नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते। समझ आ गया, फैक्टर और ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है। यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट सबको, पक्का। अच्छा, हम इंप्लॉय को बोनस देते हैं, फ्री में देते हैं सर्विस के बदले, फैक्टर पेमेंट है ट्रांसफर। हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हम गवर्नमेंट को क्या देते हैं, टैक्स। कौन सी पेमेंट होगी, ट्रांसफर। समझ आ गया, जल्दी से बोलो, डिफरेंस एक बार रिवाइज करते हैं। फैक्टर पेमेंट कौन सी होती है, जो सर्विस के बदले। ट्रांसफर पेमेंट क्या होते हैं, जो विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। फैक्टर पेमेंट को नेशनल इनकम इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर को इंक्लूड नहीं। फैक्टर पेमेंट बायलेटरल होता है, ट्रांसफर क्या होता है, यूनिलेटरल। फैक्टर पेमेंट अर्निंग कंसेप्ट है और ये क्या है, रिसिप्ट। ये नेशनल इनकम इंक्लूड होता है, ये नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होता। याद हो गया, क्लियर है टॉपिक आज का। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, क्लियर है टॉपिक आज का। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे हम सब सेंस हो गए तो क्लियर है, तो समझ आ गया सबको, दोनों टॉपिक क्लियर है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में, कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं।